संगठन नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है और यह ब्राह्मणवाद का दिन है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपने पूर्वजों से पूछना चाहिए, उनका धर्म है नहीं है, उनके माता पिता का धर्म क्या था, उनके बाबा दादी नाना नानी भाई बहन समाज। तो अब उन्होंने इसके पहले आपको याद होगा कि रामचरितमानस के उस चौपाई की आलोचना किया था जिसमें स्वामी तुलसीदास जी ने समाज ने उनको जवाब दे दिया, उन्होंने क्या तोड़ मरोड़ के पेश किया समाज के सामने, समाज ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जवाब दिया। आज उन्होंने अपने धर्म पर आवाज़ उठा दिया। 140 करोड़ भारतवासियों का देश है जिसमें हम 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते हैं। दुनिया के तमाम देशों में फिजी, गुयाना, ट्रिनिडाड, मॉरिशस, टोबैको, यूरोप, संसार का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ कि हिंदू धर्म को मानने वाले न रहते हो। बगल में आपके नेपाल है, वो दुनिया का चौथा हिंदू राष्ट्र था उसने भी। तो ऐसे जब हिंदुओं की आबादी सारे संसार में बढ़ रही हो, सारे संसार में उनकी स्वीकारता बढ़ी है, काम से, अपने व्यवहार से, अपने धर्म से, इकलौता धर्म है दुनिया का तो किसी को पीड़ा नहीं देता। आपको याद होगा कि जब पारसियों को उजाड़ा गया उनके देश ईरान से, दुनिया का इकलौता था देश था हिंदुस्तान जिसने उनको अपने देश में शरण दिया। आज पारसी इस देश की आत्मा में रचे बसे लोग हैं और हमारे कहीं ना कहीं से इस देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शामिल हैं, देश की आर्थिक रीढ़ माने जाते हैं पारसी समाज के। हमने तो सबको अपने देश में जगह दिया, हम सब धर्मों का आदर करने वाला देश है भारत। ऐसे में किसी व्यक्ति को, हिंदू को, हिंदू धर्म के बारे में इस तरह की बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि अब किस वजह से उन्होंने ऐसे कमेंट पास किए हैं, उनका मकसद क्या है वो ही जाने, और कोई उनके मन की भाषा को नहीं समझ सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू हैं कि नहीं, क्या आपको लगता है कि वो हिंदू हैं या नहीं, जिस तरह की वो भाषा प्रयोग कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि आज तक वो क्या थे, आज भी वो हिंदू हैं? धर्म छोड़ा तो नहीं है उन्होंने, लेकिन उसकी आलोचना वो कर रहे हैं, मुझको लगता है कि ये बहुत ओछी बातें हैं, सस्ती राजनीति। लेकिन ये मेरा, मुझको तो ये लगता है कि अब राजनीति के इस दौर में जब अपने को बहुत पीछे छूट चुके हैं वो, उनके तमाम साथियों ने उनका साथ भी छोड़ दिया, एकदम अकेले पड़ चुके हैं। जिसके दामन तब होता ना, जो जिसके साथ वो खड़े हैं तो कहीं ना कहीं से अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें उनके मुँह से निकल रही हैं। राजनीतिक बयान है या फिर निश्चित राजनीतिक बयान। जब आप इसको देखिएगा, मनन करिएगा, चिंतन करिएगा, तो पिछले दिनों का भी बयान और आज का बयान भी निश्चित ही एक बहुत ही लगता है कि जिस तरह से राजनेताओं का जो बयान आता है सिर्फ हिंदू धर्म ही पे, एक हिंदू धर्म पर ही आता है, जो और भी धर्म है जो हिंदुस्तान में उसके पर कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन हिंदू धर्म पर ही लोग कमेंट करते हैं। क्यों? यही तो इस देश की विशेषता है कि लोग अपने धर्म की भी आलोचना कर देते हैं, ईश निंदा भी कर लेते हैं। हमारा देश दुनिया में, इसीलिए कहा ना कि हमारा धर्म सबसे अलग है हिंदुस्तान का। जो ये हिंदू धर्म है ये दुनिया के सारे लोगों के लिए एक आदर्श धर्म है। और अन्य धर्मों में आपने देखा कि आज तक सलमान रश्दी ने अपने ईश निंदा की, आज तक उनको फतवा जारी है उनके खिलाफ, न जाने कितने। आपके बगल में वो लेखिका है बांग्लादेश की, तस्लीमा नसरीन, आज तक देश निकाला है उनको, वो ठोकरें खा रही हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ, यही इस देश की विशेषता भी है, खूबी भी है कि लोग ऐसा कर पाते हैं। धर्म है, कोई ब्राह्मणों का है, ना आदिवासियों का है, ना पिछड़ों का है, ना अनुसूचित है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये देश वर्ण व्यवस्था वाला देश है और इस न जाने कितने हम सनातन धर्मी हैं और हजारों हजार वर्षों से हमारा देश इसी परंपराओं से चलने वाला देश है। कर्मयोग, कर्मवाद है। हम तमाम लोग उसको तोड़ मरोड़ के दूसरे तरह से पेश करते हैं, लेकिन इस देश में जो भी जो कर्म करता है, तो आज ब्राह्मणवाद को गाली देने वाले लोग हाशिए पर हैं इस देश में। मुझको लगता है कि ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित ही नहीं। मंत्री जी, मायावती जी कांग्रेस से गठबंधन होने की खबर
खबरें आ रही है कि मायावती जी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। देखिए 2024 का चुनाव सामने है और राजनीति की विशाख जब बिछ जाती है तो लोगों को ऐसे तमाम गठबंधन देखा आपने देख रहे हैं कि वो नाम बदल के चेहरे बदल के लोग वही हैं, समय और काल चक्र ने उनके चेहरों को बदल दिया है। वो सभी लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी से वो लड़ना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी की को वो पीछे छोड़ना चाहते हैं, जबकि वो अपने आप में स्वतः सारे लोग मीनू पीछे छूट चुके हैं, न जाने कहाँ है वो। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां देख लीजिए, 2024 का किला भारतीय जनता पार्टी बड़े प्रचंड बहुमत के साथ फतह करने जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, फिर तीसरी पारी वो बड़े ही कामयाब तरीके से उनकी पूरी होगी। तो मुझको लगता है कि यह जो भी गठबंधन हो सारे लोग गठबंधन कर ले, उस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पंडित जी आप मंत्री जी सनातन धर्म की आप बात कर रहे थे, रामायण की चपाइए माते पिता गुरु के वाणी बिनी विचार करियो सब जानी, और एक गुरु का जो आचरण सामने आया उसको कैसे देखते हैं आप? गुरु का आचरण मतलब जो अभी एक मामला जो मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ थप्पड़ मारने वाला जो अध्यापिका ने मारे, व्यक्ति गलती कर सकता, पूरे शिक्षक समाज को आप इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। एक शिक्षक गलतियां किया तो आज उसकी सजा उस विद्यालय को मिली, विद्यालय बंद हो गया। तो एक व्यक्ति ने गलती किया है, उस गलती के लिए उसको सजा जो बनती है जो कानून कहता है उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और उस स्कूल को ही बंद कर दिया गया। आपने कभी ऐसी घटना भी नहीं सुना होगा कि व्यक्ति की गलतियों के चलते, लेकिन उन्होंने जो किया बहुत निंदनीय। कोई बच्चा छात्र छात्र होता है।